गुड आफ्टरनून आफ्टर वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू टूलो वी आर लाइव ऑन दी प्लेनेट गेट यूट्यूब तो वापस आ गए हैं आपके लिए एक और नया चैप्टर एक और नया टॉपिक लेकर के इस नेटवर्क एनालिसिस के कोर्स में दैट इज गोइंग टू बी ग्राफ थ्योरी इट इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स यार जैसा आप जानते हो हमारा कोर्स एंड की तरफ बढ़ रहा है इसका समाप्ति होने वाला है बहुत ही जल्द तो आप लोग तैयार हो जाओ यार एक और नया टॉपिक सीखने के लिए ये टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल वाइंड इट अप ऑन मंडे तो इसके अंदर हमें दो क्लासेस लगने वाली हैं ग्राफ थ्योरी एक बहुत छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसमें आपको मजा भी आएगा सीखने भी मिलेगा और बहुत इजीली सब चीजें सीख भी जाओगे तो चलो यार शुरू कर लेते हैं लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ माई नेम इज अंकित गोयल आई गॉट एआईआर आई आर वन टाइज इन गेट इन 2014 एंड ट्वेंटी ये सारी बातें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो समझते हो लेकिन बेटा मैं हमेशा कहता हूँ वट आई एम पर्सनली प्राउड ऑफ की जो हमारी टीम है वो कितना ज्यादा बच्चों के लिए सोचती है कितने ज्यादा बच्चों के लिए इनिशिएटिव लाती है नई से नई चीजें करती है ताकि हमारे बच्चे हर रेस में आगे रहें आगे बढ़ें और जीतें जिस भी एग्जाम में बैठे दे मस्ट बिकम टॉपर्स अब इसके लिए हमारे इनिशिएटिव यार सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं आते दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप तो आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करो इंस्टॉल करो इसके बाद आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय अनलॉकिंग इट यूजिंग द कोड अंकित ई एस सी अदर देन दैट बेटा देखो मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको एक जगह मिलेंगी बिट डॉट ली स्लैश अंकित ई एस सी यहाँ पे जाओगे तो जो क्लासेस आगे होने वाली हैं वो अपकमिंग के अंदर प्रेजेंट होंगी और जो पहले हो चुकी हैं बेटा वो भी अलग अलग फोल्डर्स में आपको मिल जाएंगी तो कोई भी क्लास अगर ऐसी है जो आपने अब तक नहीं भी देखी है वो भी आप देख सकते हो यू हैव नॉट मिस्ड इट यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड और आप चाहो तो यार प्लस पे आ सकते हो यहाँ मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स ना सिर्फ इतना आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट वीकली टेस्ट टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ आपके सारे डाउट्स भी आंसर किए जाएंगे यार एक सब्सक्रिप्शन में आपको गेट ई एस सी पी एस यू ए हर तरह के एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी और कोई क्लास मिस हो गई तो इट विल बी अवेलेबल इन द रिकॉर्डेड फॉर्म बट जो बच्चे और आगे जाना चाहते हैं वो आइकॉनिक पसंद करते हैं क्योंकि वहां प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ साथ पर्सनल कोच मिलता है जो पूरा स्टडी प्लानर तैयार करवाता है स्टडी प्लानर तैयार कराने के साथ साथ जो बाकी के टीचर्स हैं आपके वो स्टडी बूस्टर सेशन लगाते हैं आपको मोटिवेट करते हैं टेस्ट के एनालिसिस में आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस सेक्शन बाय सेक्शन टॉपिक बाय टॉपिक बताई जाती है स्टडी मटेरियल आपको मिलता है और बेटा एक डेडिकेटेड टीम आपके साथ रहती है जो आपके सारे क्वेरीज आंसर करती है तो आपको बस क्या करना है यहाँ पे कोड लगा देना है अंकित एस सी ज्वाइन करते समय ताकि इमिजिएटली आपको मिले टेन परसेंट का डिस्काउंट और साथ ही साथ बच्चों आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करें जहां मुझसे रेगुलरली आप बात कर सकते हैं इंटरेक्ट कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना इसके अलावा इस कोड से जुड़े और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और ये बेटा लेटेस्ट बैच है जो हमारा स्टार्ट हुआ है नाइन्थ ऑफ जून से इसके अंदर रेड्डी सर ने डिजिटल स्टार्ट किया इलेक्ट्रिकल के लिए विशाल सर ने ईसी के लिए कॉम्युनिकेशन स्टार्ट किया है और मैं जुलाई के अंदर यहां पे कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं मेरा टारगेट है जुलाई से लेकर नवंबर तक तीनों कोर सब्जेक्ट में प्लस पे वन आफ्टर दी अदर निपटा दूंगा तो अगर आपको बेस्ट वे में कोर तैयार करना है विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चन तो आपको अन पे जरूर आना चाहिए और विशाल सर कॉम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं यार ईसी वालों को इससे बेहतरीन कोई न्यूज नहीं हो सकती बिकॉज ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ ईसी एंड ही इज टीचिंग द बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ई सबसे बड़े टीचर से सबसे बड़ा सब्जेक्ट सीखोगे ओनली ऑन अन अकेडमी प्लस इसके अलावा बच्चों देखो तेहरा जून की तारीख याद रखना यानी कल सुबह ग्यारह बजे कॉम्बैट होने वाला है इसमें एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ए अच्छा परफॉर्म करोगे कैन इवन विन हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप और अंकित ई के साथ आपकी वन ईयर फीस होगी बेटा ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी फोर सिक्स फिफ्टी और बच्चों टू ईर्स थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड टू ईयर्स के लिए जाएंगे ताकि पर मंथ फीस आपके मिनिमम रहे आप इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर पाए और साथ ही साथ चाहो तो एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी आप ले सकते हो फ्रॉम अन अकेडमी अगर आइकॉनिक के लिए जाओगे वन ईयर फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू ईयर सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड अगेन बेटा टू ईयर को प्रेफर करेंगे चलो तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक ग्राफ है ना तो बेटा देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं ना सबसे पहले हम ग्राफ थ्योरी में आने वाली अलग अलग टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं तो बात ये होती है ग्राफ थ्योरी है क्या चीज ये टॉपिक किस लिए बना है ये टॉपिक है क्या और क्या हमें सिखाता है बेटा ग्राफ थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हम एक नेटवर्क के कंपोनेंट्स को नहीं सोचते हम बात करते हैं नेटवर्क की टोपोलॉजी नेटवर्क के, के कनेक्शन नेटवर्क के, के बारे में नेटवर्क के अंदर रेजिस्टेंस लगा है इंडक्टर लगा है या कैपेसिटर लगा है इट डज नॉट मैटर टू अस बात को समझना हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता नेटवर्क में कंपोनेंट कौन सा है हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि नेटवर्क के कनेक्शन कैसे हैं तो देखो बेटा क्या होता है बहुत बार जो आप सर्किट ड्रॉ करते हो अब ये सर्किट आप तो समझ लेते हो देख के लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कंप्यूटर को सर्किट के कनेक्शन डिस्क्राइब करने पड़ेंगे तभी कोई नेटवर्क सिम्युलेटर, सर्किट सिम्युलेटर जैसे एल टी स्पाइस पी स्पाइस ये सॉफ्टवेयर तभी काम कर पाएंगे व्हेन दे एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ योर नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड तो बेटा इसके लिए हमारा ग्राफ थ्योरी आता है ग्राफ थ्योरी क्या करता है एक नेटवर्क के कनेक्शन को नेटवर्क के इक्वेश को ये मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और मैट्रिक्स एक ऐसी चीज है एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे कंप्यूटर को बहुत ईजिली समझ आता है जैसे आप देखते हो मैटलैप मैटलैप का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेट्री तो वहां सॉफ्टवेयर हर चीज प्रोसेस करता है इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स इज समथिंग दैट इज इजीली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं नेटवर्क का ग्राफ बना के उसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके वी कैन मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द कनेक्शंस ऑफ द नेटवर्क जिसके बाद की वो उसका एनालिसिस करके ही कैन टेल यू वट आर द करेंट वट आर द वोल्टेज एट ईच एंड एवरी एलिमेंट तो पॉइंट लिखो ग्राफ थ्योरी डील्स विद graph theory deals with graphical representation graph theory deals with graphical representation of a network graph theory deals with graphical representation of a network by which by which we can understand by which we can understand the connections in a network by which we can understand the connections in a network without going into details without going into details about the nature of element without going into details about the nature of the element okay एलिमेंट की नेचर से मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त मुझे फर्क सिर्फ किससे पड़ता है नेटवर्क के कनेक्शन से बात चमक गई नेटवर्क के कनेक्शन मैटर करते हैं ना कि नेचर ऑफ एलिमेंट नेक्स्ट पॉइंट द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी कैन बी सीन कैन बी सीन इन सर्किट सिम्यूलेटर्स can be seen in circuit simulators where where the software cannot understand where the software cannot understand the pictorial representation the software cannot understand the pictorial representation of the network pictorial representation of the network बट इट कैन अंडरस्टैंड बट इट कैन अंडरस्टैंड द कनेक्शंस द कनेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ आ मैट्रिक्स तो देखो क्या होता है नेटवर्क का स्ट्रक्चर हम कंप्यूटर को दे देते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अब उसके बाद जब कंप्यूटर को हम ये इंफॉर्मेशन साथ में देते हैं कि कहां कौन सा एलिमेंट है तो कंप्यूटर के लिए बेटा ये मैटर नहीं करता इंडक्टर क्या है कैपेसिटर क्या है रेजिस्टेंस क्या है ये कैसे पैदा हुए ये भी मैटर नहीं करता उसके लिए रेजिस्टेंस में ये मैटर करता है कि V इज इक्वल टू आई इंडक्टर में मैटर करता है V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी ये सारी चीजें बेटा कंप्यूटर के लिए मैटर करती हैं ना कि ये मैटर करता है कि आपका रेजिस्टेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस कहां है ठीक है तो ये सब चीजें नहीं मैटर करती हैं उसके लिए बात समझ रहे हो मेरी जल्दी होता हूं बात समझ में आ रही है तो कंप्यूटर को दो डेटा चाहिए होते हैं फर्स्ट इज द कनेक्शन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स और अ ग्राफ एंड द सेकेंड इज द नेचर ऑफ एलिमेंट और कंप्यूटर एलिमेंट के नेचर से कोई मतलब नहीं रखता उसे बस मतलब होता है उसकी इक्वेशन से कि वो एलिमेंट का ऑपरेटिंग इक्वेशन क्या है तो जब उसको इक्वेशन मिल गई कनेक्शन मिल गई तो इक्वेशन और कनेक्शन को मिला के सॉल्व कर देगा और रिजल्ट दे देगा बिना ये जाने समझे इंडक्टर क्या होता है या कैपेसिटर क्या होता है ये आपके सिमुलेटर का काम है उसे क्या करना भाई रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है यानी इसको इससे कंप्यूटर क्या करेगा उसे मतलब सिर्फ किससे वोल्टेजेस और करंट से चमका आप सिमुलेटर कैसे काम करते हैं निकुंज बेटा ये नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मैंने कॉम्प्लेक्स पावर रिएक्टिव पावर रियल पावर सब पढ़ाया है लेक्चर नंबर फोर्टी से फिफ्टी वो देख लो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक चलो अब मैं ग्राफ आपको यहां पर डेफिनेशन लिखवाता हूं ग्राफ पहली डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी करके हेडिंग लो बेसिक स्केलेटन ऑफ आ नेटवर्क बेसिक स्केलेटन ऑफ आ नेटवर्क इन विच इन विच ईच एलिमेंट ईच एलिमेंट is represented each element is represented by a line segment by a line segment between two nodes line segment between two nodes again okay? दो नोड के बीच में लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट की तरह हम शो करते हैं एंड वी आर नॉट कंसर्ड वी आर नॉट कंसर्न अबाउट नेचर ऑफ एलिमेंट ठीक है तो हम यहां पे यह भी कह सकते हैं बेटा कि नंबर ऑफ ब्रांचेस नंबर ऑफ ब्रांचेस इन आ ग्राफ आर सेम एज आर सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आ नेटवर्क इन नेटवर्क ठीक है ये बात समझ में आ गया बात समझ में आ गया हाँ बेटा ये ई एस सी के लिए सफिशियंट रहेगा मैं जो भी कोर्स लेता हूं, वो गेट और ई एस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूं ठीक है चलो आगे बढ़े अब देखो जैसे नेटवर्क हमको दिया है हमें इसका ग्राफ बनाना है यार हमें इसका ग्राफ बनाना है अब देखो बेटा यहां पे ग्राफ बनाने के दो तरीके होते हैं ध्यान से समझना क्या होते हैं तरीके बात को समझेंगे कि स्टैंडर्ड बुक्स ऐसा बोलती हैं कि फॉर ड्राइंग अ ग्राफ देखो स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से अगर हम बात करें ग्राफ की स्टैंडर्ड बुक ऐसा कहती है शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट अ वोल्टेज सोर्स एंड ओपन सर्किट अ करेंट सोर्स वाइल ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ अ नेटवर्क वाइल ड्रॉइंग ग्राफ ऑफ अटवर्क ठीक है ऐसा स्टैंडर्ड बुक्स कहती हैं लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा ये जो गेट वाले हैं गेट वालों का इस बारे में सोचना अलग है थोड़ा सा इन गेट दे काउंट दे काउंट वोल्टेज एंड करेंट सोर्सेस ऑल्सो एज ब्रांचेस ठीक है गेट वाले ना वोल्टेज और करेंट सोर्सेस को भी ब्रांच की तरह ही ट्रीट करते हैं तो ये ध्यान रखना कि गेट के अंदर अगर कभी ये पूछ लेना कितनी ब्रांचेस होंगी ग्राफ की तो बेटा आपको ये टोटल करते समय करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है बेटा ये सुरेंद्र लेक्चर नंबर सेवेंटी थ्री है बेटा नेटवर्क का नेटवर्क को चलते हुए ऑलमोस्ट थ्री मंथ्स हो गए दिस इज लेक्चर नंबर सेवेंटी थ्री और अब ये खत्म होने वाला है ग्राफ थ्योरी का बेटा मैंने बताया दो क्लासेस लगेंगी एक आज एक मंडे थ्योरी खत्म हो जाएगी मंडे को लेक्चर शुरू से अटेंड किया करो ना मेरे बच्चों तो ये ध्यान रखना देखो जब गेट वाले पूछे ना कि कितने ब्रांचेस हैं तो उसमें करेंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों को काउंट कर लेना अब बात है इसका ग्राफ अगर बनाए तो देखो ग्राफ बनाने में ये वाली ब्रांच ए से डी जाएगी इसको शॉर्ट कर देना तो ये जो वन ओम वाली ब्रांच है ये ए से डी जाएगी तो देखो मैंने ए बनाया ये मैंने डी बनाया बीच में बी और सी ठीक है अब ये जो रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है बेटा वन वाली ये ए और डी के बीच में जाएगी ऐसे ये वन वाली ब्रांच है टू वाली ब्रांच ए और बी के बीच में आपको एलिमेंट के नेचर से मतलब नहीं है आपको बस लाइन सेगमेंट दिखाना है फोर जाएगी बी और सी के बीच में फोर जाएगी बी और सी के बीच में थ्री जाएगी बी और डी के बीच में थ्री जाएगा बी और डी के बीच में फाइव जाएगा सी और डी के बीच में फाइव जाएगा सी और डी के बीच में सिक्स जाएगा ए और सी के बीच में सिक्स जाएगा ए और सी के बीच में ये बन गया जी ठीक है ये बन गया आपका ये क्या बन गया आपका ग्राफ तो बेटा लेकिन ये कंट्रोवर्सी ध्यान रखना कि अलग अलग जगह ना आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी इवन जैसे आज मैं इंटरनेट पे देख भी रहा था वहां तो किसी ने इतना महान आर्टिकल लिखा था कि वोल्टेज सोर्स को काउंट करेंगे लेकिन करंट सोर्स को ओपन कर देंगे तो आप देखो तीन थ्योरी हो गई इस लॉजिक से वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों हटाना है दोनों कंसीडर करना है एक हटाना है एक कंसीडर करना है तो अलग अलग थ्योरीज पे मत जाओ आप ध्यान रखो वोल्टेज और करंट सोर्स हटा दिए जाते हैं लेकिन गेट वाले दोनों को एज ब्रांचेस काउंट करके चलते हैं तो गेट में कभी भी ब्रांचेज अगर पूछता तो छ नहीं यहां पर सात ब्रांचेज होती है एक वोल्टेज सोर्स भी ब्रांच की तरह ही काउंट किया जाता अब ये वाला ट्राई करो यार खुद से जल्दी से जल्दी से बना दो ऑन, कम ऑन कम एवरीबडी जल्दी से इसका ग्राफ मुझे चाहिए चलो 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 ऑन। लेक्चर फाइव के बाद वाली वीडियोस नहीं मिल रही बेटा एक ही प्लेलिस्ट में में शिवम और ये चीज आप आपस में डिस्कस कर लिया करो यार टेलीग्राम पे फेसबुक पे आपको बच्चे दे देंगे लिंक उसमें कितनी बड़ी बात है बेटा चेक कर लो सर्च कर लो लेक्चर फाइव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएटरिक्स कितनी बड़ी बात होती है यार मतलब इतने तो तुम लोग यार पढ़े लिखे हो छोटे छोटे बच्चों वाली बात करते हो YouTube पे वैसे कोई वीडियो होगी ना बॉलीवुड की मसालेदार वो तो सर्च में मिल जाएगी और जो पढ़ने वाली वीडियो है वो इन्हें चाहिए कि लिंक कोई दे दे वो ढूंढनी ना पड़े है ना अभी इंस्टाग्राम पे कोई फोटो आ जाए और बता दे यूट्यूब पे इसकी वीडियो पड़ी है ढूंढ डालेंगे निकाल देंगे छानबीन करके पूरे जासूस बन जाएंगे लेकिन पढ़ने वाली वीडियो वो कैसे ढूंढ पाएंगे हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं चलो बना लिया देखो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं नोट्स को फिर से बेटा ए बी सी डी एक्चुअली इसका ग्राफ ना पिछले वाले जैसा ही बना होगा एग्जैक्ट राइट right. मजा आ रहा है ना इजी है ना सबसे बढ़िया बात ये होती है ग्राफिकल होता है जो देखने मिलता है ना टॉपिक वो अच्छा लगता है एज कंपेयर टू ऐसा टॉपिक जो कि बस न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल में चले जैसे टू पोर्ट था वहां विजुअलाइजेशन कम था वहां कैलकुलेशन ज़्यादा था ठीक है यहां विजुअलाइजेशन ज्यादा है कैलकुलेशन कम है बेटा हम जब कभी वीडियो डिलीट किए नहीं हमारे चैनल पे इस समय क्रिएट्रिक्स पे साढ़े पांच हजार वीडियोज हैं तो अब काहे डिलीट हो जाएंगी अचानक से वीडियो एक तो लोगों का माइंडसेट इतना खराब कर दिया है कोचिंग्स ने वीडियो हटा हटा के आधी बार तो मैं यही जवाब देता रहता हूँ भाई हम नहीं हटाएंगे वीडियो डोंट वरी बट इस चीज का फायदा उठाते हैं फिर बच्चे ना लाइव नहीं आते कि सर रिकॉर्डेड देख लेंगे क्योंकि आप तो वीडियो हटाओगे नहीं तो क्या ही है बाद में देख लेंगे एक लड़का क्या बोलता कल मैं एक वीडियो पे कमेंट पढ़ रहा था कि सर टाइम नहीं मिल पाता लाइव आने का कि टाइम नहीं मिल पाता सर लाइव आने का इसीलिए मैं रिकॉर्डेड देख लेता हूं मतलब टीचर के पास इतना टाइम है कि उससे पढ़ाने का टाइम मिल जा रहा है और बच्चा इतना बिजी है आज की डेट में कि बच्चे को पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है बताओ चलो अब आ जाओ सब ग्राफ पे ग्राफ क्लियर हो गया ना ग्राफ कैसे बनता है किसी भी नेटवर्क का बताओ ग्राफ क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से अब ये सब ग्राफ क्या चीज है सब ग्राफ बेटा ग्राफ का कुछ हिस्सा ग्राफ देखो होता क्या अगर मैं बात करूं सेट थ्योरी में सेट तो समझते हो ना कलेक्शन ऑफ सर्टेन वैल्यू ठीक है कलेक्शन ऑफ सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड एज अ सेट तो ग्राफ क्या है ग्राफ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस ग्राफ में दो ही तो चीजें दिख रही हैं यार ध्यान से देखो ना चार नोड हैं ए बी सी डी छह ब्रांचेस हैं वन से लेके सिक्स तक तो ग्राफ क्या है ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन है नोड्स और ब्रांचेस का तो बेटा इसीलिए जब हम बात करते हैं एक सेट की तो उसका सबसेट भी होता है सबसेट में क्या होता है सेट के सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को अगर एक साथ ले लें देन इट इज कॉल्ड एज सबसेट ऐसे ही ग्राफ के कुछ अगर नोड्स और ब्रांचेस ले लिए जाए सारे ना लिए जाए देन इट इज कॉल्ड एज अ सब ग्राफ तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन करो यार साथ साथ लिखते चलना ग्राफ इज नथिंग ग्राफ इज नथिंग बट अ सेट बट अ सेट ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस बट आ सेट ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस ठीक है इफ वी कंसीडर इफ वी कंसीडर आ सब सेट इफ वी कंसीडर आ सब सेट दैट इज आ सेट कंटेनिंग

उस ग्राफ के कुछ नोड और ब्रांचेस उठा लो वो क्या है सब ग्राफ है अच्छा अब बात ये आती है अगर सर सारे के सारे नोड और ब्रांचेस उठा लें यानी पूरा ग्राफ उठा लें तो क्या उसे सब ग्राफ बोला जाएगा बिल्कुल बोला जाएगा जैसे सेट थ्योरी हमें समझाती है इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इट्स ओन सेट सेट खुद ही का सबसेट भी कहा जा सकता है ऐसे ही ग्राफ खुद का ही सब ग्राफ भी कहा जा सकता है तो बेटा ये वाला पॉइंट लिखना। इट्स ओन इज ऑल्सो अ सब ग्राफ ऑफ इट्स ओन ठीक है तो इसका सब ग्राफ अगर बनाए देखो कैसे मान लो आपने तीन नोड ले ली ये एक सब ग्राफ है वन टू ठीक है मान लो बेटा आपने चार नोड ले ली चारों नोड ले ली ले लेकिन ब्रांचेस सारी नहीं ली या चलो ये तीन नोड ले ली आपने सपोज ये भी एक सब ग्राफ है करेक्ट अब इसके अंदर आपने ये ले लिया यार बी सी डी ये भी एक सब ग्राफ है ठीक है आपने ये ले लिया बेटा ये भी एक सब ग्राफ है समझ गए इस टाइप से कुछ भी हो सकता है इस टाइप से एटसेट्रा मैंने इसलिए लिख दिया कि और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती हैं आप एक ग्राफ के कुछ नोड्स और ब्रांचेस को जोड़ के सब ग्राफ बना सकते हो और सारे भी ले लोगे तो भी वो सब ग्राफ ही कहलाएगा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एज इट इज ये खुद भी सब ग्राफ है इट इज ऑल्सो अ सब ग्राफ ऑफ इट्स ओन समझ में आया ना यहां तक समझ में आया सब ग्राफ क्या चीज है मेरे ख्याल से तो इलेक्ट्रिकल के गेट में तो है बेटा करंट की डायरेक्शन नहीं है बेटा वो करंट की डायरेक्शन नहीं है आलोक डायरेक्शन ब्रांचेस पे ऐसे ही मैंशनड होती है अभी आएगी डेफिनेशन आगे इट्स नॉट करंट डायरेक्शन ठीक है बाकी बेटा ये चीज अलग से डिस्कस करना लेक्चर के अंदर नहीं अब पाथ पे आते हैं पाथ क्या है पाथ है रास्ता अब देखो जब आप सिग्नल फ्लोग्राफ पढ़ते हो तब भी आप पाथ की बात तो करते हो ना आप क्या कहते हो एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का जो रास्ता दैट इज कॉल्ड एज अ पाथ सेम चीज आप यहां पे बोलोगे व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम वन नोड टू दी अदर बाय क्रॉसिंग डिफरेंट ब्रांचेस देन इट इज सेट टू बी अ पाथ तो ये वाला एक पॉइंट लिखो व्हेन वी ट्रेवल व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम वन नोड टू दी अदर when we travel from one node to the other through different branches through different branches then it is called as then it is called as a path then it is called as a path but we must make sure but we must make sure that none of the nodes that none of the nodes is crossed twice that none of the nodes is crossed twice देखो बेटा जैसे यहां पे मैं दे देता हूं नाम ब्रांचेस को भी अब समझना अब अगर मैं ऐसे चला गया ए से सी वन एंड टू तो ये एक पाथ है वन और टू ब्रांचेस को क्रॉस करते हुए अगर मैं चला गया सपोज बी से डी ये मैं चला गया सीधे फोर ब्रांच से दैट इज ऑल्सो अ पाथ ठीक है अब मान लो मुझे बी से डी जाना है इसी के लिए दूसरा रास्ता मैंने पकड़ा टू एंड फाइव पहले बी से गया सी फिर डी गया तो ये भी एक पाथ है ठीक है अब लेकिन अगर यहीं जाने के लिए बी से डी मैं ऐसे पकड़ू टू फाइव थ्री वन फोर ठीक है मैं टू से गया फिर फाइव से गया फिर थ्री फिर वन फिर फोर यानी कि मैं कौन सी नोट से चला बी फिर सी फिर डी फिर ए फिर बी और फिर डी तो बेटा यहां पे अगर आप नोटिस करें ये वाली नोट दो बार क्रॉस करनी पड़ी तो दैट इज नॉट अ पाथ समझ में आया ये कोई पाथ नहीं हुआ क्योंकि यहां पे एक नोड एक नोड दो बार रिपीट हो गई समझ रहे हो ना ऐसे घूम घूम के घन चक्कर बन के जाओगे एक ही नोड को बार बार क्रॉस करोगे तो उसे पाथ नहीं कह सकते पाथ सिर्फ और सिर्फ वो है जिसमें एक नोड एक ही बार आती है अच्छा सर अगर मैं ऐसा कहता क्या ये वैलिड पाथ होता टू फाइव फोर यानी बी फिर सी फिर डी फिर बी बेटा ये वैलिड है वैलिड है ऐसा इसीलिए यह हुआ क्लोज पाथ क्लोज पाथ माने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है स्टार्ट्स एंड एंड्स एट सेम पॉइंट तो यह तो अलाउड है यह तो बेटा अलाउड है लेकिन एक नोड को दो बार क्रॉस करना अलाउड नहीं है ऐसा बिल्कुल अलाउड है कि जहां से शुरुआत हो वहां पे खत्म हो इसे लूप कहते हैं इसे लूप कहते हैं लेकिन एक नोड दो बार क्रॉस ना हो शुरुआत और अंत सेम हो सकता है लेकिन क्रॉसिंग ना हो एक ही नोड की दो बार तो ये वाला पॉइंट लिख लेना वी कैन स्टार्ट एंड एंड अ पाथ वी कैन स्टार्ट एंड एंड अ पाथ एट द सेम पॉइंट we can start and end a path at the same point which is a case which is a case of closed path which is a case of closed path or a loop a closed path or a loop but but none of the nodes but none of the nodes शुड बी क्रॉस्ड ट्वाइस नन ऑफ द नोट शुड बी क्रॉस्ड ट्वाइस ठीक है यह बात क्लियर हो गई अब अच्छा एक बात और लिखना वाइल्ड ट्रेवरसिंग वाइल्ड ट्रैवर्सिंग ट्रेवरसिंग मतलब ट्रैवल करना वाइल्ड ट्रैवर्सिंग फ्रॉम वन नोट टू दी अदर वाइल्ड ट्रेवरसिंग फ्रॉम वन नोट टू दी अदर डायरेक्शन ऑफ ब्रांच डज नॉट मैटर द डायरेक्शन ऑफ ब्रांच डज नॉट मैटर यहां बेटा एस एफ जी से अलग हो गया जब आप सिग्नल फ्लोग्राफ पढ़ते हो तो जब आप एक नोड से दूसरे नोड जाते हो तो वहां ब्रांच की डायरेक्शन के अनुसार ट्रेवल करते हो किसी भी एरो के अपोजिट नहीं जा सकते लेकिन ग्राफ थ्योरी के एरो रैंडम होते हैं नेटवर्क के एरो रैंडम होते हैं दे डू नॉट एक्चुअली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करेंट इसीलिए एरोज को कंसीडर ना करें तो ये वाला पॉइंट ऐसे लिख भी लो इन सिग्नल फ्लो ग्राफ, इन सिग्नल ग्राफ वाइल ट्रेवर्सिंग अ ग्राफ इन सिग्नल फ्लोग्राफ वाइल ट्रेवर्सिंग ग्राफ

the direction of branches in network the direction of branches are random in nature are random in nature so we do not consider so we do not consider direction of a branch we do not consider direction of a branch while defining a path डू नॉट कंसिडर डायरेक्शन ऑफ ए ब्रांच वाइल डिफाइनिंग अ अथ ये चमका भाई ये बात डिटेल में क्लियर हो गई ये पाथ वाली बात चलो अब डायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है इन दिस ग्राफ ईच ब्रांच ईच ब्रांच Is associated each branch is associated with a direction, with a direction. Okay, the direction of a branch, the direction of a branch does not does not necessarily does not necessarily represent direction of current direction of current flowing in the branch ठीक है ये ध्यान रखना एरो का मतलब यार हमेशा करंट के डायरेक्शन नहीं होता एरो रैंडमली हम मार्क कर सकते हैं और वैसे भी एग्जाम में ना आपको एरो अपने मन से नहीं लगाने होंगे एरो या तो गिवन होंगे या फिर एरो डिराइव किए जा सकते होंगे किसी मैट्रिक्स से अब मैट्रिक्स से एरो कैसे आते हैं वो सब बात की बातें हैं ठीक है आएगा सब चिंता ना करो ऐसे रैंडमली लगा दिए एरोस थैंक यू कन्हैया बेटा थैंक यू बहुत जल्द मिलेंगे थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह खुल जाए देन मीट ये समझ आया भाई डायरेक्टेड ग्राफ चमका के नहीं चमका जल्दी जल्दी बताओ यार छोटा सा टॉपिक है तुम लोग है कि नहीं है सिलेबस में इसी में लगे रहना टॉपिक मत सीखना ठीक है चलो अब कनेक्टेड ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ बेटा क्या होता है एक ऐसा ग्राफ जहां पे प्रत्येक नोड से दूसरी नोड तक एक रास्ता एग्जिस्ट करे तो उसे हम कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ अब वो रास्ता कितने नोड से होके गुजरेगा मैटर नहीं करता लेकिन एक नोड से दूसरी नोड तक का रास्ता होना जरूरी है ठीक है देयर मस्ट एग्जिस्ट देयर मस्ट एग्जिस्ट आपात From each node, from each node to every other node, to every other node in a graph, in a graph of a network. हर नोड से दूसरी नोड तक का एक रास्ता होना जरूरी है ठीक है तो उसे कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ देखो जैसे मान लो मेरे बच्चों यही एक ग्राफ है सपोज मान लो मैंने तीन ही ब्रांचेस ली हैं ठीक है अब आप जाना चाहते हो किसी नोड से किसी नोड तक देखो ए से डी डायरेक्ट है वन बी से डी डायरेक्ट है टू सी से डी डायरेक्ट है थ्री लेकिन अब ए से बी हम जाएंगे वन फिर टू ए से सी वन फिर थ्री बी से सी टू देन थ्री तो बेटा इस टाइप से आप किसी नोड से किसी नोड तक भी जा सकते हो भले ही वो सीधा रास्ता ना हो थोड़ा घूम के जा रहा हो चलेगा इट नीड नॉट बी आर डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द टू नोड ठीक है तो एक बार ये वाला पॉइंट लिखना इट इज नेसेसरी इट इज नेसेसरी दैट ईच नोड ऑफ अ ग्राफ इट इज नेसेसरी that each node of a connected graph each node of a connected graph is connected to every other node it is necessary that each node of a connected graph is connected to every other node every other node but that may not be but that may not be a direct connection बट दैट में नॉट बी अ डायरेक्ट कनेक्शन एंड मे इन्वॉल्व एंड मे इन्वॉल्व क्रॉसिंग क्रॉसिंग मल्टीपल अदर नोड्स क्रॉसिंग मल्टीपल अदर नोड्स ठीक है कंप्लीट ग्राफ अब बेटा कंप्लीट ग्राफ भी एक तरह का कनेक्टेड ग्राफ है लेकिन यहां पे एक डायरेक्ट कनेक्शन एग्जिस्ट करता है हर नोड से बाकी की सभी नोड्स का अगर एक नोड बाकी की सभी नोड से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए देन इट इज सेट टू बी आ कंप्लीट ग्राफ तो इसमें लिखना अ ग्राफ इज सेट टू बी कंप्लीट अ ग्राफ इज सेट टू बी कंप्लीट इफ देयर इज इफ देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन इफ देयर इज आ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन बिटवीन एनी टू नोड्स ऑफ आ ग्राफ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एनी टू नोड्स ऑफ आ ग्राफ देखो अब यहां पर ठीक है जल्दी बताओ यहां पर दिख रहा है कोई भी नोड आप उठा लो कोई भी दो नोड आप उठा लो आपको डायरेक्टली एक कनेक्शन दिखेगा उन दो नोड्स के बीच में यह चीज विजुअलाइज हो पा रही है भाई पिक एनी टू नोड्स यू विल सी अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स अब इसके लिए बेटा क्वेश्चन कैसा बनता है इसके अंदर आपसे पूछता है मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अ कंप्लीट ग्राफ कितनी होंगी सर मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस बेटा ये होंगी एन सी टू सर ये एन सी टू कैसे आया देखो एन यहां पे है बेटा नंबर ऑफ नोड्स एन क्या है नंबर ऑफ नोड्स और हम यहां पे क्या कहते हैं देयर मस्ट एटलीस्ट बी देयर मस्ट एटलीस्ट बी वन ब्रांच बिटवीन एवरी टू नोड हर दो नोड के बीच में कम से कम एक ब्रांच होना अनिवार्य है यह बात क्लियर है ये बात क्लियर है हर दो नोड के बीच में बेटा अगर एक ब्रांच होना कंपलसरी है तो कितनी मिनिमम ब्रांच होंगी एन में से दो दो के कॉम्बिनेशन बना लो एन सी टू का क्या मतलब है कितने तरीके हैं एन में से दो दो को चूज करने के दो दो को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं एन में से दैट इज एन सी टू इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है सर इसको मिनिमम क्यों बोला यही तो होंगी टोटल ब्रांच क्यों बेटा दो नोड के बीच में एक से अधिक ब्रांचेस भी हो सकती है आप ये क्यों कह रहे हो कि एक ही ब्रांच हो दो के बीच में दो के बीच में चार ब्रांचेस हो सकती है चारों पैरल में इन दैट केस नंबर ऑफ ब्रांचेस विल बी लार्जर तो ये मिनिमम है कि कम से कम हर दो नोड के बीच में एक ब्रांच होना जरूरी है एक से ज्यादा हो चलेगा एक से कम नहीं चलेगा सत्यम बेटा अगले दिन उसे मेकअप करो अगर आज के दिन काम कम कर पाए हो पेंडिंग टास्क ज्यादा हैं अगले दिन कम सो करके उनको कंप्लीट करो अगले दो दिन में कंप्लीट कर लो पिकअप तो करना पड़ेगा ना बेटा चलो आगे बढ़ते हैं ट्री अब देखो जैसे मैंने सब ग्राफ समझाया सब ग्राफ क्या था एक ग्राफ के कुछ नोड और ब्रांचेस को उठा लें तो उन्हें कहते हैं सब ग्राफ तो बेटा ट्री क्या है ट्री भी एक सब ग्राफ है ये क्या है सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ of a graph that contains that contains all nodes of a graph that contains all nodes of a graph but but only few branches Few branches such that no closed loop such that no closed loop is formed. समझना बात को बेटा यहाँ पे देखो जैसे मानलो हमारा ये ग्राफ है ठीक है इसके अंदर एक पॉसिबल ट्री ऐसा हो सकता है देखो इसमें नोड तो बेटा सारी आ गई लेकिन कोई क्लोज लूप नहीं आया ध्यान से देखना कोई क्लोज लूप नहीं आया तो दिस इज अ ट्री लेकिन वहीं अगर मैं ऐसा लेता यार ध्यान से देखो तो इट इज नॉट अ ट्री इट इज नॉट अ ट्री क्योंकि यहां लूप बन गया एक समझ रहे हो हमें सब ग्राफ लेना है यानी टोटल ग्राफ में से कुछ ब्रांचेस कुछ ब्रांचेस और सारी की सारी नोड लेनी है सारी नोड लेनी है लेकिन ब्रांचेस सिर्फ और सिर्फ कुछ होंगी सम ब्रांचेस, नॉट ऑल द ब्रांचेस लेकिन यह ध्यान रखते हुए कि देयर मस्ट बी नॉट एनी क्लोज लूप अब क्या होता है इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है बेटा नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ अ ग्राफ अब इसके ना बेटा दो फॉर्मूले होते हैं टू टू दावर एन माइनस टू ये चलता है फॉर कंप्लीट ग्राफ समझ गए ना कंप्लीट ग्राफ के अंदर ये चलेगा और कंप्लीट ग्राफ के अंदर भी ना बेटा यहां पे एग्जैक्टली वन ब्रांच बिटवीन एनी टू नोड्स दो नोड्स के बीच में एक ही ब्रांच होगी तभी ये फॉर्मूला काम करेगा तो ये बहुत स्पेसिफिक हो गया यार इसकी लिमिटेशन बहुत बड़ी हो गई कि पूरे ग्राफ में हर दो नोड के बीच में एक एक ब्रांच आएगी तभी यह ट्री का फॉर्मूला एप्लीकेबल है लेकिन एक जनरल फार्मूला भी है अपने पास जनरल फार्मूला क्या कहता है यह कहता है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर इंटू ए आर ट्रांसपोज यह ऑलवेज एप्लीकेबल है यह बेटा ऑलवेज एप्लीकेबल है यह ध्यान देना इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल सर यहां पे ए आर क्या है बेटा ये जो ए आर है दिस इज कॉल्ड एज द रिड्यूज इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या कहलाता है रेड्यूज इंसिडेंस मैट्रिक्स ठीक है रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनता है किसी भी नेटवर्क के लिए वो हम आगे देखेंगे बट ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ट्री का फॉर्मूला क्या है ट्री समझ में आया क्या होता है ट्री ग्राफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें सारी नोड आ रही हैं लेकिन कुछ ब्रांचेस आपने उड़ा दी हैं ब्रांचेस इस अनुसार उड़ाई गई हैं कि कोई भी क्लोज लूप ना बनने पाए अच्छा एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट होती है दैट इज नंबर ऑफ ब्रांचेस नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ट्री ऑफ एनी ग्राफ इन ट्री ऑफ एनी ग्राफ इज इक्वल टू एन माइनस वन कितना एन माइनस वन तो एन माइनस वन नंबर ऑफ ब्रांचेस होती हैं किसी भी ट्री के अंदर एन क्या है यहां पे एन है बेटा नंबर ऑफ नोड्स समझे यहां तक बेसिक है एकदम एकदम बेसिक है ना ठीक है एन इज द नंबर ऑफ नोड्स अब को ट्री क्या होता है देखो ट्री में आपने कुछ ब्रांचेस उठा ली ट्री में आपने क्या किया नोड तो सारी उठाई लेकिन ब्रांचेस सिर्फ कुछ उठाई तो आपने सेट का एक सबसेट उठाया अब बेटा उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेट में से जब कुछ एलिमेंट उठा लें तो बचे हुए एलिमेंट्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही ट्री का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है को ट्री को ट्री ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ट्री ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ट्री तो जैसे एक सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एक सेट में जो एलिमेंट आते हैं बचे हुए सारे एलिमेंट को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही एक ट्री में जो ब्रांचेस आ गई अब बची हुई सारी ब्रांचेस किसमें काउंट हो जाएंगी को ट्री में तो एक बार ये पॉइंट लिखो द कॉम्प्लीमेंट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट ऑफ अ सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट ऑफ अ सेट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड ज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द सबसेट विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द सबसेट कहने का देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं जैसे मान लो एक डाइस के फेसेस हैं ठीक है अब ये हो गया हमारा सेट तो मैंने एक सबसेट बनाया ऑड नंबर्स का ऑड कौन कौन से हैं ये अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कॉम्प्लीमेंट होगा बेटा सेट में बचे हुए सभी एलिमेंट कौन कौन बच गया टू फोर सिक्स दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट अब मैंने आपको बताया ट्री एक्चुअली है तो सेट ना सेट किस चीज का नोड्स और ब्रांचेस का अब आपने ट्री में क्या किया सिर्फ कुछ ब्रांचेस उठाई सारी नहीं उठाई तो कॉम्प्लीमेंट ट्री के अंदर क्या होगा कॉम्प्लीमेंट ट्री के अंदर वो सारी ब्रांचेस होंगी जो ट्री के अंदर इंक्लूड नहीं हुई तो ये वाला पॉइंट लिखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ट्री कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ट्री इज कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्रांचेस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ट्री इज कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्रांचेस फ्रॉम अ ग्राफ फ्रॉम आ ग्राफ विच विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड विच हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन आ ट्री इन अ ट्री तो एक ग्राफ में आप जितने ट्री बनाओगे हर ट्री के लिए एक को ट्री एग्जिस्ट करेगा हर ट्री के लिए बेटा एक को ट्री एग्जिस्ट करेगा मान लो आपने ट्री बनाया पहले वाला मुझे बड़ा पसंद है डायग्राम ये वाला और पता है कोई भी किताब से आप नेटवर्क पढ़ोगे ना सबसे ज्यादा ग्राफ यही देखने मिलता है तो ये ट्री बना तो बेटा को ट्री क्या होगा दिस इज योर को ट्री को ट्री ठीक है बची हुई ब्रांचेस ये को ट्री हो गया तो अक्सर क्या करते हैं ना को ट्री को डॉट्स में दिखा देते हैं और सॉलिड लाइन से दिखा देते हैं एक ट्री समझ में आ गया को ट्री क्या होता है ट्री में जो जो ब्रांचेस नहीं डाली वो सारी को ट्री में आएंगी जैसे चलो नंबर भी अगर कर दो और नोड दोनों में ही सारी आएंगी नोड दोनों के अंदर बेटा सारी लेनी है नोड कोई नहीं छोड़नी अब देखो इस ट्री के अंदर आपने टू को इंक्लूड किया फोर को किया और फाइव को किया अब यहां पे बच क्या गया वन देन थ्री एंड देन सिक्स तो ये तीन ब्रांचेस बच गई ये बन गया आपका एक कोटरी अब बेटा अगला डेफिनेशन आता है ट्वेक्स एंड लिंक्स ट्विक क्या होता है ट्विक का इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे ना तो पेड़ की टहनी को ट्विक कहते हैं यहां पेड़ क्या है ट्री तो ट्री की ब्रांचेज कहलाती हैं ट्विग वेरी सिंपल इसमें लिखो द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री आर जनरली कॉल्ड एज द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री आर जनरली कॉल्ड एज ट्विग्स आर जनरली कॉल्ड एज ट्विग्स अगला पॉइंट द ब्रांचेज ऑफ अ को ट्री द ब्रांचेज ऑफ अ को ट्री आर कॉल्ड एज लिंक्स आर कॉल्ड एज लिंक्स देखो जैसे ट्री हो गया अब मेरे बच्चों ये जो डॉटेड वाला पार्ट था जिसे आपने को ट्री बोला वो हो गई लिंक्स तो देखो जरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो बेटा टू फोर फाइव ये तो हुए ट्वेक्स ठीक है वन थ्री सिक्स ये हुए आपके लिंक्स क्या हुए ये आपके लिंक्स ठीक है समझ में आया ट्री की ब्रांचेस कहलाती हैं ट्विग और लिंक्स कहलाते हैं को ट्री की ब्रांचेस तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना generally in a graph generally in a graph the twigs are represented generally in a graph the twigs are represented as solid lines the twigs are represented as solid lines whereas the links are represented whereas the links are represented As dotted lines, whereas the links are represented as dotted lines. ठीक है चल ये बात क्लियर हुई अब जरा इसके देखो ट्री एंड को ट्री बनाना है ट्री एंड को ट्री बनाना जरा तीन चार ट्री बना दो और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग को ट्री बना दो तीन चार बना दो जैसे चार का कर लेते हैं डिसाइड चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ मुझे चार बता दो इसके बनाओ अपनी कॉपी में सबसे पहला तो देखो मैं ही बनवा चुका हूं उसको चलो मत बनाना जो मैंने बनवाया ना वो मत लेना उसके अलावा चार बनाओ जो मैंने बनवाया वो मत बनाना अच्छा वैसे ये देखो ये कंप्लीट ग्राफ है ना ये कंप्लीट ग्राफ है जिसमें हर दो नोड के बीच में एक ब्रांच है तो यहां पे ट्रीज कितने होंगे एक्चुअली बेटा अगर सोचो तो टू की पावर एन माइनस टू कितने हो गए फोर हो गए ना एक सेकेंड एन की पावर एन माइनस टू होता है मेरे ख्याल से ये वाला यार सही करना फॉर्मूला हाँ ये टू की पावर नहीं होता ये एन की पावर एन माइनस टू होता है ठीक है ये चीज सही कर लेना ये जो मैंने ट्री का फॉर्मूला लिखवाया है ना एन की पावर एन माइनस टू होता है टू की पावर नहीं होता फोर नोड्स हैं तो सोलह तो मैं तो तुमसे बस चार मांग रहा हूं ठीक है सोलह में से मैंने क्या बोला है मुझे चार ट्री बता दो तो देखो पहला क्या होगा ये हुआ इसका को ट्री क्या होगा ये को ट्री हो गया ठीक है दूसरा ऐसे ही ले लो इसका पलट के ये हुआ तो इसका कोट्री कैसा हो गया ये ध्यान रखना बेटा आपको जो है ना तीन ही ब्रांच लेनी है ट्री में यहां पे नोड कितनी है नोड है चार तो ब्रांचेस कितनी होंगी ट्री की एन माइनस वन तीन अब इसके अलावा एक ऐसा ले लो ये हो गया ये हो गया एक कोटरी इसका ठीक है अब इसके बाद एक और हमें बनाना है कौन सा लें ऐसे ले लो बेटा इसका कोटरी कैसा हो जाएगा इस टाइप से ठीक है तो इस टाइप से बेटा ट्री और को ट्री एग्जिस्ट करेंगे और कितने ट्री हो सकते हैं इसके 16 तो आप चाहो तो सोलह के 16 ट्री ट्राई कर सकते हो बनाने का हर एक कोई जो बनाओगे उसका उल्टा भी बना लेना चलो अब ये देखो फॉर द ग्राफ कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ ब्रांच ट्री कौन सा होगा बताओ ये ब्रांचेस आपको दे रखे हैं इनमें ट्री कौन सा है बताइए अब देखो ग्राफ थ्योरी से आप इंट्रोड्यूस तो हो चुके हो अब ग्राफ थ्योरी के अंदर ना तीन मैट्रिक्स होती हैं इंसिडेंस कट सेट सेट वो बचा है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा कुछ हल्का बहुत बच जाएगा तो ट्यूसडे कर लेंगे ट्यूसडे को मतलब ग्राफ थ्योरी विद क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर वेन्सडे से हम कपल्ड सर्किट स्टार्ट करेंगे बताओ क्या आ रहा है भाई इसका आंसर इसमें ट्री कौन कौन है बी आ रहा है प्रमर्थ्या प्रामर्थ्या कह रहे हैं बी आ रहा है बाकी लोग बताओ मंथन कह रहे हैं डी देखो बेटा यहां पे नोड्स कितनी हैं? चार हैं। तो ट्री ब्रांचेस कितनी लेनी है तीन लेनी है एन माइनस वन बट ध्यान क्या रखना है नो क्लोज लूप कोई क्लोज लूप ना बने ये ध्यान रखना है अब देखें यार ए ई ए बी ई सही है ए ई e में कोई क्लोज लूप नहीं है एफ e, इसमें ई एफ एक क्लोज लूप हो जाएगा तो ये गलत है ए बी डी ए बी डी भी सही है ए बी एफ ए बी एफ भी सही है ए ई एफ फिर से ये लूप आ गया तो ये भी गलत है वन थ्री फोर यानी डी ठीक है आंसर विल बी डी ठीक है थैंक यू सौम्या बेटा अगला देखो भाई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री एंड ड्रॉ देम सेपरेटली इस ग्राफ के कितने ट्री हैं और सब सब आपको ड्रॉ करने हैं बेटा तो अब यहां पे ये मत कहना सर सोलह है से पहचानो ऊपर की एक ब्रांच उड़ा चुका हूं से देखो ऊपर की एक ब्रांच गायब है बेटा तो सोलह तो नहीं होंगे यहां पे सोलह से कम ही आएंगे जितने भी आएंगे सब आपको ड्रॉ करने हैं करो चलो आप लोग ना मुझे एक काम करो एक, -एक करके चैट में बताते चलो ट्री थ्री बताते चलो मुझे सबसे पहला अपना प्यारा ये हमने बना लिया आप मुझे ना ब्रांचेस के नाम से बता देना ए बी डी ठीक ये बन गया ना अगला बोलो अगला बोलो मेरे भाई जल्दी से चैट में जल्दी से बोलो अगला एक तो मैंने बना दिया आपको सारे बताने मिलके करेंगे ना तो सब हो जाएगा आंसर जल्दी बताओ अगला क्या है अगला मेरे बच्चों आप ये भी कह सकते हो है ना ए बी सी वाई नॉट दिस है ना अब आप, आप कहोगे सर ऐसी ए बी ई भी कर लो ए बी को एक बार सी के साथ लिया डी के साथ तो ई e में क्या बुराई है कोई बुराई नहीं है भाई सही कह रहे हो ठीक है ये तीन तो हो गए और बोलो सी डी ई सी डी ई मेरे पास नया आया है बिल्कुल C D E और बोलो डिफरेंट डिफरेंट B C E B C E हाँ B C E भी बहुत बढ़िया अलग अलग बताते चलोगे ना सही रहेगा जो हो चुके हैं वो मत दोहराना अब मैं इसका उल्टा तो बाय डिफॉल्ट बना ही देता हूं किसी ना किसी ने बोला ही होगा ए ई सी है ना जो बनाते चलते हो ना उसका मिरर इमेज तो बना ही लिया करो अगर नेटवर्क या ग्राफ ऐसा है जो कि सिमेट्रिक है तो उसका उल्टा तो बनेगा और बताओ ए डी ई ए डी ई बेटा ये तो लूप हो गई ना ए डी ई क्यों भाई मंथन ए ई तो लूप हो गई ट्री कैसे बनेगा ऐसे बी डी बी डी ई हां बी डी ई हो सकता है ये बहुत ही बढ़िया बी डी ई अब इसका उल्टा बना लो ए डी सी कितने बन गए भाई आठ बन गए मेरे ख्याल से इतने ही बनेंगे इतने ही आएंगे यार ठीक है फॉर थ्री नोड एबीसी देर आर ट्वेल्व पॉसिबल ट्री हाउ बेटा उसके अंदर क्या होगा ना हो सकता है दो नोड्स के बीच में मल्टीपल ब्रांचेस इन पैरेलल आ रही हूं तब बन सकता है इतना अगर हर दो नोड के बीच में बस मैक्सिमम एक ग्राफ है सॉरी एक आ, ब्रांच है तब तो तीन ही बन सकते हैं थ्री की पावर थ्री माइनस टू लेकिन हाँ जैसे मान लो यहां पे सी एसी के पैरल एक और एक और एक और तब ऐसा हो सकता है ठीक है बोला ये क्लियर हो गया यही बनेंगे इसके ट्री, ठीक है ना अब चलो इंसिडेंस मैट्रिक्स कल करेंगे हम लोग अब बच्चों देखो मेरी अगर स्पेशल क्लासेस देखनी है तो यहां मिलेंगी आज शाम को सात बजे लेने वाला हूं। बीजेटी के पीवाई क्यू कराऊंगा और आज बीजेटी के प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे तो मंडे से मॉस्फेट के प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो अपकमिंग के अंदर आपको मिलेंगे सारे लेक्चर्स जो आगे होने वाले हैं ठीक है अदर देन दिस बेटा कल की डेट मार्क करके रखना अपने कैलेंडर में तेरह जून सुबह ग्यारह बजे कॉम्बैट होगा इसमें एनरोल कर लेंगे सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित एस और यहां पे अच्छा परफॉर्म करने पे यू विल गेट हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप और ये लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ यार जिसके अंदर मैं मशीन स्टार्ट करने वाला हूं जुलाई में जुलाई और अगस्त में आपका मशीन कवर कराऊंगा तो अगर मेरे साथ मशीन कवर करना है तो जल्दी से अन अकेडमी ज्वाइन कर लो कोर्ट जानते हो अंकित और विशाल सर पैरल आपको करा रहे हैं कॉम्युनिकेशन सिस्टम इससे अच्छा कॉम्युनिकेशन सिस्टम आपको नहीं मिलेगा जो सर कराने वाले हैं ठीक है और यहां पे सर आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाएंगे ही इज द बेस्ट एजुकेटर ऑफ ईसी टीचिंग द बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ ईसी अब अंकित ई के साथ बेटा आपकी वन ईयर फीस होगी ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी टू ईयर थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड टू ईयर के लिए जाना पर मंथ फीस मिनिमम है और आप इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो विदाउट इंटरेस्ट आइकॉनिक फॉर वन ईयर फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स सिक्स हंड्रेड तो अगेन बेटा गो विद टू ईर्स ठीक है और ये मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल है आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो मैसेज कर सकते हो यू गाइस कैन चैट विद मी और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है आलोक बेटा सो थैंक यू एवरी वन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको लेक्चर कैसा लगा बहुत जल्द फिर मिलेंगे आज हम मिलेंगे साढ़े तीन बजे क्रिएट्रिक्स चैनल पे for solving problems based on machine. Thank you.